نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم بزرگوں اور بھائیوں رمضان المبارک کا پر بہار موسم شروع ہو چکا ہے اللہ کی رحمتیں برسنے لگی ہے اور مغفرت کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں روزانہ 10 لاکھ اور جب رمضان کا آخری روزہ ہوتا ہے تو پہلے روزے سے آخری روزے تک ٹوٹل جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی اس ایک دن میں آخری ایک دن میں اتنوں کی مغفرت ہوتی ہے گنتی کہاں جا کے پہنچے گی اگر روزانہ 10 لاکھ کی مغفرت ہوئی تو یہ منیمم ہے مقدار میکسیمم کی مقدار نہیں تو منیمم ہے 10 لاکھ کی ہوتی ہے یعنی ہوتی ہے اللہ کے رسول نے فرما دی اگر 28 دنوں تک 10 لاکھ کی مغفرت ہو تو 2,80,00,000 29 دن کا روزہ ہو تو 29th day 2,80,00,000 کی مغفرت تو 2,80,00,000 اور 2,80,00,000 کتنے ہو گئے 5,60,00,000 لوگوں کی مغفرت ہوتی پھر حدیث میں آیا جو روزہ رکھے اور شاندار روزہ رکھے اس کی مغفرت جو تراوی پڑھے اور شاندار تراوی پڑھے جاؤ اس کی بھی مغفرت جو شب قدر میں جاگ کر عبادت کر لے جاؤ اس کی بھی مغفرت جو روزے دار کو افطار کرا دے جا بھائی تیری بھی مغفرت جو اپنے غلام خادم اور ملازم اور نوکر کا بوجھ ہلکا کر دے جا بھائی تیری بھی مغفرت مغفرت کے سارے دروازے اللہ نے کھول دیے مغفرت کا مہینہ ہے نفس کو توڑ دیا روزے کے ذریعے شیطان جو بہکاتا ہے انسان کو گناہوں کی جانب لے جاتا ہے اس کو بھی قید کر دیا کل سے کر لینا بیچ میں کیا کروں ٹھیک اندرونی سیفٹی بھی ہوئی بیرونی سیفٹی بھی دے دی اجر و ثواب بھی بڑھا دیا ایک فرض ادا کرو گے 70 فرضوں کے برابر ثواب ایک نفل عمل کرو گے تو فرض کے برابر ثواب یعنی موسم بہار تو آپ دیکھیے عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا نعمتیں ہیں اللہ کی عام طور پر ان چیزوں پر دھیان دیا جاتا ہے توجہ دی جاتی ہے افطار بھی کراتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں ملازموں کے ساتھ نرمی بھی کر لیتے ہیں لیکن مغفرت کے لیے یہ ایک پہلو کافی نہیں ہے ہمارے ایک بزرگ نے توجہ دلائی اور میری طبیعت میں شدید تقاضا پیدا ہوا کہ رمضان کے پہلے دن پہلی مجلس میں میں اس پر ضرور روشنی ڈالوں
कहीं ऐसा ना हो कि हम एक तरफ का देखें और वो करते चले जाए और दूसरे पहलू पर बिल्कुल ध्यान न दे और मगफिरत से महरूम हो जाए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और मेरे भाइयों, इतनी रहमतें बरसने के बाद भी अगर किसी शख्स की मगफिरत नहीं हो सकी, अल्लाह हिफाजत फरमाए, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हलाक होने की बद्दुआ दी। एक हदीस में आता है कि एक मरतबा जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मिंबर के करीब जमा हो जाओ, मजलिस होगी। सहाबा जमा हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के पहले कदम छे पर तशरीफ लाए, पहली सीढ़ी पर कदम रखा और फरमाया आमीन, दूसरी पर कदम रखा फिर फरमाया आमीन, तीसरी पर कदम रखा फिर फरमाया आमीन, फिर आपने तकरीर की। तकरीर करने के बाद आप नीचे तशरीफ लाए। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, ये आमीन किस चीज पर आपने फरमाई? हमने कोई दुआ तो सुनी नहीं, आपने आमीन कहा, ये कोई अजीब मामला आज पेश आया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने पहला कदम रखा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए और उन्होंने ये बद्दुआ दी कि वो शख्स हलाक और बर्बाद हो जाए जिसको रमजान का महीना मिले फिर भी उसकी मगफिरत ना हो सके। इतना जबरदस्त मौसम उसको मिला मगफिरत का, चारों तरफ मगफिरत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन मगफिरत नहीं हुई। हुजूर बद्दुआ दे रहे हलाक और बर्बाद हो जाए, नहीं, हजरत जिब्राइल ने बद्दुआ दी कि वो शख्स हलाक और बर्बाद हो जाए। उस बद्दुआ पर हुजूर ने फरमाया आमीन। बोलो, कबूल होने में कोई शक है? बद्दुआ देने वाला फरिश्ता फरिश्तों का सरदार है और आमीन कहने वाला नबी नबियों का सरदार है। अगर एक आम फरिश्ता भी बद्दुआ दे या दुआ दे तो हदीस में आता अल्लाह उसको रद्द नहीं फरमाते। एक आम नबी भी दुआ दे या बद्दुआ दे, हदीस में आता अल्लाह नबियों की दुआ को रद्द नहीं फरमाते। ये तो नबियों के सरदार की आमीन है और फरिश्तों की सरदार की बद्दुआ है, इस बद्दुआ के कबूल होने में क्या शक हो सकता है? ये जुमला हमें पूरा रमजान अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि करने के काम तो हम करते चले गए, बचने के कामों से नहीं बचे। हम ये समझते रहे कि मगफिरत हो गई या हो जाएगी, मगफिरत तो हो गई हो जाएगी, और अल्लाह की फहरिस्त में हमारी मगफिरत ना हो और रमजान खत्म होते ही हम इस बद्दुआ के मुस्तहिक हो जाए। अगर हुजूर की बद्दुआ हमें और आपको लग गई फिर हमारी बिगड़ी कोई नहीं बना सकता। तो ये तो करने के काम है, लेकिन मुख्तलिफ हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों की निशानदेही फरमाई है जिनकी मगफिरत शबे कद्र में भी नहीं होती, शबे बराअत में भी नहीं होती, रमजान में भी नहीं होती। कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी मगफिरत रमजान में भी नहीं, जिनकी मगफिरत शबे कद्र में भी नहीं। हां, अगर वो तौबा कर ले और अपने अमल से रुजू कर ले तो फिर मगफिरत यकीनी है, बंदा तौबा करता है अल्लाह मगफिरत करता है, लेकिन बंदा उस गुनाह में मुब्तला है, उसका ध्यान नहीं जा रहा और नेकी के काम करते चले जा रहा है, उसकी मगफिरत नहीं होगी। वो आठ लोग कौन है? आठ किस्म के लोग हैं। नंबर एक, मुशरिक। नंबर दो, कीना रखने वाला। नंबर तीन, कता रहमी करने वाला, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला। नंबर चार, मां बाप का नाफरमान। नंबर पांच, शराब का आदि। नंबर छह, जिना का आदि। नंबर सात,
ناحق کسی کو قتل کرنے والے، نمبر 8 ازار لنگی اور پائجامہ ٹخنوں سے نیچے پہننے والے۔ کتنے لوگ ہوئے بھائی، یاد کر لو پہلے ہی۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ رکھنے والا، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا، نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 5 شراب کا عادی، نمبر 6 زنا کا عادی، نمبر 7 ناحق قتل کرنے والا، نمبر 8 ازار اور پیجامہ یا لنگی کو ٹخنوں سے نیچے پہننے والا۔ کتنے ہوئے یاد کر لو۔ نمبر 1 بولو بھائی، اب آپ کی باری۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ رکھنے والا، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا، نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 5 شراب کا عادی، نمبر 6 زنا کا عادی، نمبر 7 ناحق قتل کرنے والا، نمبر 8 ٹخنوں کے نیچے پائجامہ پہننے والا۔ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں، مشرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات یا اللہ کی مخصوص صفات کو اللہ کی ذات سے آگے لے جانے والا، کسی کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ اور خدا اور معبود اور خالق ایک ہے۔ کوئی شخص دو معبود مانے، دو بھگوان مانے، 10 بھگوان مانے، 20 بھگوان مانے، تو اس نے خدائی کو اللہ کی ذات سے آگے بڑھایا، مشرک ہوا، مشرک فی ذات۔ شرک کرتا رہے، نماز بھی پڑھتا رہے، مغفرت نہیں ہوگی، رمضان میں بھی نہیں، شب قدر میں بھی نہیں۔ دو خدا ماننے والا، 4 خدا ماننے والا۔ اسی طرح اللہ کی جو مخصوص صفات ہے، جو صرف اور صرف اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، ایسی کسی بھی ایک صفت کے ذرے کو بھی مخلوق کے لیے ثابت کرنا، ایک ذرے کو بھی مخلوق کے لیے ثابت کرے گا وہ مشرک ہو جائے۔ اللہ کی صفات دو طرح کی ہے، بعض صفات ایسی ہے جو اللہ کے اندر بھی ہے اور بندوں میں بھی ہے، جیسے سمیع، سننے والا، اللہ بھی سنتا ہے اور کسی نہ کسی درجے میں ہم بھی سنتے ہیں، دیکھنے والا، اللہ بھی دیکھتا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں، اگرچہ ہمارے سننے اور ہمارے دیکھنے اور اللہ کے سننے اور اللہ کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ پورا ایک مضمون ہے، لیکن بہرحال دیکھنا سننا یہ اللہ کی ایسی صفتیں ہیں جو بندوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ رحم کرنا، بندے بھی رحم کرتے ہیں، معاف کرنا، بندے بھی معاف کرتے ہیں، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، بندے بھی معاف کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی عام صفاتیں ہیں، اس کا مسئلہ نہیں۔ مسئلہ ان صفات کا ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، جیسے رزق دینے والا صرف اللہ۔ اگر صفت رزق کے ایک ذرے کو بھی کسی بابا کے لیے، کسی ولی کے لیے ثابت کیا، کسی نبی کے لیے ثابت کیا کہ زیادہ روزی دینے والا تو وہ ہے اللہ، اور تھوڑی تھوڑی روزی یہ بابا بھی دے سکتے ہیں، اس کا ایمان ختم ہو جائے، جل جائے گا، راکھ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ زندگی دینے والا صرف اللہ ہے، موت دینے والا صرف اللہ ہے، بیماری دینے والا صرف اللہ ہے، شفا دینے والا صرف اللہ ہے، عالم کو بنانے والا صرف اللہ ہے، عالم کو چلانے والا صرف اللہ، کوئی ساتھ میں شریک اور پارٹنر نہیں، اللہ اکیلے چلاتے ہیں پورے عالم کو۔ یہ اللہ کی مخصوص صفت ہے، اگر اللہ کی ذات سے ان کو آگے بڑھایا، ذرا برابر بھی آگے بڑھایا، بندے کا ایمان ختم ہو جائے گا، یہ مشرک ہے۔ کتنی نمازیں پڑھتا رہے، کتنے روزے رکھتا رہے، اس کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے عقیدے پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے۔ تو
तो आठ किस्म के लोग हैं जिनकी रमजान में भी मगफिरत नहीं होती, चाहे वो रोजा रखें, चाहे वो जकात दें, चाहे वो तरावी पढ़े, चाहे वो तिलावत करें, मगफिरत नहीं होती। नंबर एक मुशरिक, नंबर दो मुशाहिन यानी कीना रखने वाला, दिल में किसी के लिए बुराई रखने वाला, किसी के बारे में बुराई रखने वाला, हसद रखने वाला, किसी से जलने वाला, बिला वजह बुग्ज रखने वाला, अपने दिल में दुश्मनी रखने वाला, खुलासा है बुराई रखने वाला। किसी के लिए आपके दिल में अगर बुराई है तो यही है कीना। कीना हसद ये उसकी बहन है, बुग्ज ये भी उसकी बहन है, कीना सब में शरीक है, इसलिए हदीस ने इसको लिया कीने को, उसमें हसद भी आ जाता है। एक हदीस में जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी से जलना और हसद करना ये नेकियों को इस तरह से खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। दूसरी एक हदीस में जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुग्ज और अदावत ये मूंढने वाली है, मूंढने वाली, जैसे अस्तुरा बाल को मूंढ कर जड़ से साफ कर देता है, इसी तरह बुग्ज और अदावत, हसद और कीना नेक आमाल को जड़ से साफ कर देता है। एक तरफ आप नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप कीना भी रख रहे हैं, आपकी इस नमाज का जो असर, जो फायदा, जो बेनिफिट नमूदार होना चाहिए वो नहीं होगा, यही आपका बुग्ज उसको साफ कर दे। बहुत से लोग आते हैं वजीफे कर रहे हैं, सुबह में यासीन पढ़ते हैं, शाम को सूरह वाकिया पढ़ते हैं, फिर फलानी सूरत भी पढ़ते हैं, फिर फलां बुजुर्ग का वजीफा वो भी करते हैं, फिर अवाबीन भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी उनकी रोजी चलती नहीं। वो जो कुछ आप वजीफे कर रहे हो ये आपका जो कीना है, ये जो हसद है, ये उसके असरात को खत्म कर रहा है, उसका फायदा आपको हासिल नहीं होगा। बहुत मेरे भाई फिक्र की जरूरत, और मैं समझता हूं कि जितनी ये आठ चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक हमारे और आपके लिए कीना है। शिर्क से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बचे हुए हैं, उस शिर्क के बाद जो है सबसे खतरनाक चीज है कीना। कीना दिल में बुराई रखना किसी की, ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। अगर हमारे दिल में किसी के लिए बुराई है तो हमारी मगफिरत नहीं होगी, और अगर मगफिरत नहीं हुई हुजूर की बद्दुआ हमें लगेगी। याद रखो, टटोलो अपने दिलों को, साफ करो मेरे भाई। जैसे हमें बुखार आता है, हमारा जिस्म बीमार हो जाता है, हम फौरन उसकी फिक्र करते हैं, दवाई लाते हैं, जिस्म को ठीक करते हैं। हमारी आंखें दुखती हैं, हम उसका इलाज करते हैं। हमारा दांत दुखता है, हम फौरन फिक्र करते हैं। शुगर हो जाती है, हम उसकी दवाई लाते हैं। ये जिस्म जिसकी मुद्दत 60-70 साल है, उससे ज्यादा नहीं, फौरन उसकी बीमारियों का हम इलाज करते हैं। और जो रूह है, जो कभी फना होने वाली नहीं, हमेशा रहने वाली चीज है, ये उसकी बीमारियां हैं। शिर्क, बुग्ज, कीना, हसद, ये रूहानी बीमारियां हैं, हम इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। अगर रूह को नुकसान पहुंचा, बहुत लंबी मुद्दत के बाद उसकी तलाफी होगी, याद रखना। जिस्म के नुकसान की तलाफी तो मौत पर हो जाएगी, लेकिन रूह के नुकसान की तलाफी मौत के बाद भी जाकर होगी, लंबे अरसे और जमाने के बाद होगा। इसलिए मेरे भाई फिक्र करने की जरूरत है। वो बंदा जिसके दिल में कीना न हो, हसद और बुराई न हो, उसकी फजीलत क्या है? एक हदीस सुनो, रोंगटे खड़े हो जाए। एक मर्तबा मजलिस लगी हुई, सहाबाए किराम मौजूद हैं, अल्लाह के नबी मौजूद हैं, इरशाद फरमाया कि अगर तुम जमीन पर चलते फिरते जन्नती शख्स को देखना चाहते हो, जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना चाहते हो, तो देखना अभी एक शख्स आएगा इस मजलिस में, वो जन्नती। पहले से हुजूर ने फरमा दिया, सहाबा इकराम के अंदर शौक पैदा हो कि भाई
हुजूर उसके बारे में फरमा रहे कि वो चलता फिरता जन्नती है, कौन ऐसा आदमी होगा। कुछ देर के बाद एक शख्स आया, बिल्कुल सीधे साधे सलाम किया और मजलिस में बैठ गया, मजलिस खत्म हुई। दूसरे दिन फिर हुजूर ने यही फरमाया कि अगर तुम जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना चाहते हो तो अभी एक शख्स आएगा, उसको देखना, वो जन्नती। फिर थोड़ी देर के बाद वही आदमी आए और बैठ गए। तीसरे दिन फिर हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना चाहते हो, अभी एक शख्स आएगा, उसको देखना, वो जन्नती। तीसरे दिन फिर वही शख्स। उस मजमे में एक सहाबी थे, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद गालिबन रदी अल्लाह अन्हु। उन्होंने सोचा कि भाई ये सीधा साधा आदमी कौन सा अमल करता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन दिन तक इसके बारे में जन्नत की बशारत दे रहे हैं कि ये जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। चलो मैं चलकर देखता हूं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद उस शख्स के मकान पर गए, उन सहाबी के मकान पर गए और कहा कि मैं आपके यहां मेहमान रहना चाहता हूं। तो ठीक है, उनका भी बिस्तर लगा दिया साथ में। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ये देखना चाहते थे कि ये रात में अकेले में तन्हाई में क्या अमाल करते हैं जिसकी वजह से ये फजीलत इनको मिली है, मैं भी वो अमल करूंगा और मैं भी उस फजीलत को हासिल कर लूंगा। देखा कि रात में कोई खास अमल नहीं, सुबह में उठे, नमाज पढ़ी अपना। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा कि एक दिन और रहना चाहता है। ठीक है, रहो। दूसरे दिन देखा कोई खास अमल नहीं, बस नमाज पढ़ते हैं वगैरह। तीसरे दिन फिर फरमाया और एक दिन रहना चाहता है, फिर रहे, देखा कोई खास अमल नहीं। तो तीसरे दिन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने उनसे पूछा कि भाई आप क्या खास अमल करते हैं, कोई खास अमल है आपका? ऐसा कोई अमल नहीं, क्यों, क्या बात है? तो पूरा किस्सा सुनाया कि तीन दिनों तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, उसके बाद आप आकर मजलिस में बैठे, यानी आपके बारे में फरमाया। तो इतनी बड़ी फजीलत आपको किस वजह से हासिल हुई? कहने लगे ऐसी तो कोई बात मेरे जहन में नहीं आ रही। खैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रवाना हुए तो उन्होंने कहा रुको रुको रुको, एक बात है मेरे अंदर कि मेरे दिल में किसी भी मुसलमान के बारे में बुग्ज, कीना और हसद नहीं, मेरा दिल साफ। देखो ये वो चीज थी, सीधे साधे सहाबी छोटे छोटे आमाल कर रहे हैं, नमाज रोजा कर रहे हैं और अल्लाह के नबी फरमा रहे कि जन्नती है। ये जो फजीलत इनको मिली है ये कीने से बचने पर मिली है। इसलिए मेरे भाई बहुत जरूरत है इस बात की, आज ये बीमारी आम हो चुकी है, घर घर में, कमेटी कमेटी में, मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में, जमातों में, कोई जगह बची नहीं है। बहुत जरूरत है कि हम अपने दिलों को साफ करें, कहीं ऐसा ना हो कि रमजान का महीना गुजर जाए और हमारी मगफिरत ना हो। कैसे पता चलेगा कि हमारे दिल में कीना है, हमारे दिल में हसद है, इसकी निशानी क्या? किसी शख्स को कोई नेमत मिली, फ्लैट से बंगले में आ गए, आपके दिल को अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, यह अलामत है कि आपके दिल में बुग्ज है, हसद है, कीना है। किसी शख्स को तकलीफ पहुंची और आपके दिल में ठंडक महसूस हुई, चाहे ऊपर से तो आप रो रहे हैं, अरे बहुत दुख हुआ, अरे भाई बहुत दुख हुआ, लेकिन अंदर ठंडक है, ये अलामत है कि कीने वाली बीमारी ने जड़ पकड़ ली। फिक्र करने की जरूरत है, वरना तमाम नेकियों का सफाया कर देगी। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी कह रहे। जांचो अपने आप को, अगर किसी की नेमत पर हमें दुख हो रहा या हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो रहा कि ये नेमत उससे छीन जाए, मेरे भाई ये तो अल्लाह से लड़ाई ले ली। नेमत देने वाला अल्लाह है, आप चाह रहे हैं कि उससे यह नेमत छीन जाए, यानी अल्लाह ने सही नहीं किया, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो अल्लाह से भी लड़ाई ले ली आप,
हसद करने वाला, अल्लाह से लड़ाई लेने वाला है। कुरान करीम में हासिद से पनाह मांगी गई, वमिन शर्री हासिदिन इदा हसद, कुरान करीम में पनाह मांगी गई, तलकीन की गई, पनाह मांगते रहो हासिदों के हसद से, बड़ी खतरनाक चीज है। जो साथ में रहता है उसको भी ये घुन लग जाता है। जिस आदमी में कीने की बीमारी हो, हसद की बीमारी हो, अगर आपको एहसास हो जाए दूरी बनाओ उस, वरना ये बीमारी आपको भी लगेगी। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। छोटी छोटी बातों में हम कीना रखते हैं, छोटी छोटी बातों में। मिसाल दूं, मतभेद हुआ, आपने किसी मामले में एक राय पेश की कि ये इस तरह होना चाहिए, दूसरे साहब ने दूसरी राय पेश की कि इस तरह। भाई मशवरा तो इसीलिए होता है कि सब अपनी अपनी अलग अलग राय दें, इसीलिए तो मशवरा होता है। तो सब अपनी अपनी राय दे रहे, अब आपकी राय पे अमल नहीं हुआ, समर्थता तो छे नहीं हो, और मुंह खुला के जो हजरत निकले हैं तो वो मुंह एक साल तक खुला हुआ, क्या है ये, क्या है? मतभेद को मनभेद बना दिया, कोई चीज नहीं, बचो इससे, अपने आप को बचाओ। एक शख्स ने ये पंखा चालू कर देनी, इतनी ठंडी छे ने हो पंखा नहीं जरूर छे यार, बात मुंह क्या है, क्या है, क्या तमाशा बना। दुख की बात है, अफसोस की बात है, जिस कौम की ये जिम्मेदारी है कि तमाम कौमों को एक करे, वो खुद इतनी अंदर से टूटी हुई और इतनी मामूली मामूली बातों पे नाराज हो रहे हम लोग। किसी ने आपके घर के सामने स्कूटर रख दिया, आपने आकर उसको हटा दिया, बस हो गया मन दुख, मुंह खुल गया हजरत का, आप सलाम का जवाब भी नहीं दे, दुख की बात है मेरे भाई। किसी से आपको तकलीफ पहुंची, ठीक है, तकलीफ पहुंचती है तो दिल दुखता है, तकलीफ वाकई पहुंची, उसने आपको गालियां दे दी, या आपकी गीबत की, या आपके किसी सामान को नुकसान पहुंचाया, तो आपको तकलीफ होगी, उसकी उसका एहसास होना एक फितरी चीज है। लेकिन उस तकलीफ को आप कीना का सबब बना ले, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हसद की जो ये आग है, ये सामने वाले शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन ये आग हमारे आमाल को खाक कर दे। तकलीफ पहुंची किसी की जानिब से, एक वाकया याद आया, फकीहुल उम्मत हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को खिलाफत दी, एक मौलाना साहब को, तो उन्होंने फरमाया कि हजरत मुझे कुछ नसीहत फरमा दें। तो हजरत ने उनको जो नसीहत फरमाई उसमें एक जुमला ये फरमाया कि अगर किसी की जानिब से तुम्हें तकलीफ पहुंचे तो उस शख्स की तरफ से अपना दिल बुरा मत करना। एक आदमी ने तमाचा मार दिया तो उससे नफरत मत रखना अपने दिल में, कि एक शख्स ने आपको नुकसान पहुंचा दिया उससे नफरत मत रखना, दिल में नफरत मत रखना। चौंक गए कि हजरत ऐसा कैसे हो सकता है, एक बंदा मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है और मैं अपने दिल में उसकी नफरत ना रखूं, कैसे होगा ये? तो हजरत ने फरमाया कि अगर एक शख्स आपको तीर मारे और उस तीर से आप जख्मी हो जाए तो आप अपना गुस्सा किस पे उतारोगे, तीर पे, कमान पे, या चलाने वाले पे? भाई नुकसान तो तीर ने पहुंचाया तो इसी पे गुस्सा उतार लो, या कमान ने पहुंचाया कमान तोड़ के फेंक दो। नहीं, न तीर पे गुस्सा उतरता है और न कमान पर, बल्कि उस शख्स को पकड़ा जाता है जिसने ये किया है। तो हजरत ने फरमाया कि भाई हर अमल का खालिक तो अल्लाह है, अल्लाह के हुक्म ही से होता है, तुम्हारी कोई आजमाइश होगी या तुम्हारे किसी गुनाह को माफ करना मकसूद होगा जिसकी वजह से इस बंदे को अल्लाह पाक ने इस तरफ इसका जहन किया कि आपको उसने तकलीफ पहुंचाई। खैर मेरे भाई, अगर हमें किसी से तकलीफ भी पहुंचती है तो हमें दिल में हसद और बुग्ज नहीं रखना चाहिए। एक अजीब बात आजकल हमारे यहां आम होती जा रही है,
किसी से तकलीफ पहुंची तो उसके चर्चे कर रहे, राशिद भाई से तकलीफ पहुंची तो खालिद भाई को जाके कहेगा कि उसने ऐसा ऐसा किया ना मेरे साथ, जैद भाई से जाके कहेगा वो ऐसा ऐसा कर रहा है, फला भाई से, अरे क्यों, इससे क्या फायदा होगा, गीबत भी है और गुनाह भी है। अल्लाह के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि एक दूसरे की गीबत मत करो, वला यगतब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीही मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम पसंद करते हो कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ, गीबत करना, पीठ खोदना ये अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। ये कुरान करीम की आयत है। इससे मुआशरे में बहुत ज्यादा फितना और फसाद नमूदार होता है। जिस आदमी से आपको तकलीफ पहुंचे सीधे जाके उसी से मामला साफ करो कि भाई ये आपके संबंध से तकलीफ हुई है, और अगर वो बहुत डेंजर है तो माफ कर दो, चलो आगे। चर्चे करने से क्या फायदा होगा, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, कोई जालिम बादशाह है, जालिम हुक्मरान है, वो सबके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, तो अब आप उसके खिलाफ माहौल बनाए इसकी गुंजाइश होती है, लेकिन आम हालात में इससे कोई फायदा हासिल नहीं होता। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो पहली चीज है, पहला शख्स जिसकी मगफिरत रमजान में नहीं होती, मुशरिक, और दूसरा है मुशाहिन, कीना रखने वाला। हमने टेस्ट किया अपने दिल को, टटोला, और हमें इस बात का एहसास हुआ कि मेरे दिल में कीना है, मेरे दिल में हसद है, तो अब इसका इलाज कैसे करोगे? हसद और कीना है तो इलाज कैसे करोगे? बुजुर्गों ने लिखा कि जिस शख्स के बारे में कीना है, जिस शख्स के बारे में हसद है, आप उसके लिए दुआ करें, या अल्लाह उसकी रोजी में बरकत अता फरमा, उसकी जान माल को इज्जत आबरू में बरकत अता फरमा, उसके कारोबार में बरकत अता फरमा, वगैरह वगैरह, आप उसके लिए दुनिया आखिरत की भलाइयां मांगे। दिल पर बड़ा बोझ पड़ेगा, इसलिए कि दिल तो उसके लिए बुरा चाह रहा है, लेकिन आप दुआ कर रहे हैं, प्रेशर करना पड़ेगा आपको। इंशाअल्लाह एक हफ्ता नहीं गुजरेगा इस बीमारी से निजात मिल जाएगी, एक हफ्ता नहीं गुजरेगा, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो दो रकात पढ़ के दुआ करना, उसी मजलिस में सफा है। शैतान देखता है भाई तो रोज पड़ेगा, तो जितना नुकसान इसको हसद से मैं नहीं पहुंचा सका, उससे कई गुना फायदा इसको इस अमल से पहुंचेगा, क्योंकि दिल चाह रहा है कि उसके लिए बुरा चाहे, और बंदा दो रकात पढ़ के उसके लिए दुआ मांग रहा है, इससे बड़ा मुजाहदा क्या हो सकता है? बड़ी, बहुत बड़ी बात है। नीज बुजुर्गों ने यह भी लिखा कि उसके लिए हदिया भेजें, जिससे आपको हसद है उसके लिए आप हदिया भेजें। हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदिया दो और लो, आपस में हदिये की लेन देन से मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ेगी तो हसद खत्म हो जाए। तो मेरे भाई, आज की मजलिस में इतना ही रहने देते हैं। आठ किस्म के लोग हैं जिनकी रमजान में मगफिरत नहीं होती। नंबर एक, शिर्क करने वाला। नंबर दो, कीना रखने वाला। मैं अपने लिए भी दुआ करता हूं, आपके लिए भी करता हूं। मैं खुद भी अपने लिए फिक्रमंद हूं, आप भी अपने लिए फिक्रमंद हो कि कहीं ये मर्ज हमारे दिल में तो नहीं, अगर है तो हमें उसका इलाज कर लेना चाहिए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाकी जो छह चीजें हैं उसको कल बयान करेंगे, फिर रोजे का बयान शुरू करेंगे इंशाल्लाह। पिछले साल मैंने फीडबैक भी लिया था आपसे, वो फॉर्म कहीं रख दिए हैं, मिल नहीं रहे। उसमें बाज लोगों ने कुछ राय दी थी कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। वो मिलेगा इंशाल्लाह, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी अदा कर दें जो पिछले साल का कर्ज है। नीज अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं कि भाई इस पर रोशनी डालनी चाहिए, तो आप मुझे बताएं, मुझे लिख करके दें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पर मुझे सवालात भेजे हैं कि मजलिस के अंदर आप इसकी वजाहत फरमाएं। उन सब की तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसमें जो मुझे मुनासिब मालूम होंगे कि हाँ इसकी वजाहत मजलिस में होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह उनकी वजाहत मैं करूंगा। लेकिन एक बात है कि आप अपना नाम जरूर लिखें। आप व्हाट्सएप करें तो अपना नाम भी लिखें कि मैं फला शख्स हूं,
ताकि मुझे इत्मीनान रहे कि भाई कौन शख्स है, कैसा शख्स है, इनका मकसद क्या है। कभी कभी आदमी दूसरे के खिलाफ बुलवाने की कोशिश करता है कि ये टॉपिक दूंगा तो ये बोलेंगे तो उसको लगेगी। अरे भाई, हम किसी को लगाने के लिए जो है नहीं बैठे हुए, हम तो सबको जो है बसाने के लिए बैठे हुए हैं, संभालने के लिए बैठे हुए। तो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। जो जरूरत का सवाल है वही करना चाहिए। आपका एक दोस्त है जो सूदखोरी में मुब्तला है, वो भी मजलिस में बैठा हुआ, अब आप उठकर सवाल करते हैं कि सूद का क्या गुनाह है, ये गलत बात। उसको देखकर आप सवाल करें, मुझे क्या पता कि आपका क्या मकसद है। आपने तो सवाल किया है कि भाई सूद का क्या गुनाह है, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, वो शर्मिंदा हो जाएगा। हाँ, ये बात और है कि आपके जहन में कोई शख्स नहीं, आपने वैसे ही उम्मत की फिक्र में ये सवाल किया कि सूद आम होता जा रहा है, हजरत सूद का क्या गुनाह है, जरा बताइए, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन किसी को टारगेट बनाकर सवाल करना, ये मेरे भाई ये भी खुद कीने में दाखिल है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आपको कोई सवाल करना है तो आप खड़े होकर पूछें या आप लिखकर मुझे पर्ची दें। और अगर अकेले में कुछ पूछना है तो बयान के बाद थोड़ी देर में यहां बैठता हूं, फिर ऑफिस में जाकर भी मदरसे में आधा पौना घंटा बैठता हूं। अकेले में अगर कोई मसला पूछना है तो आप ऑफिस में आकर भी पूछ सकते हैं। और मेरा फोन नंबर आपके पास है, रमजान में किसी भी वक्त कोई अहम मसला हो आप बिला तकल्लुफ फोन कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अभी परसों मेरी नानी का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से मैं कल हाजिर भी नहीं हो पाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि तीन बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लें, उनके लिए इसाले सवाब कर दें, दुआ कर दें, फिर मजलिस खत्म कर। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إله العالمين ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری زکات اور صدقات کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری نیکیاں بھی کمزور ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے کمی کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے تمام چھوٹے بڑے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ذخیرہ آخرت بنا۔ الہ العالمین، شرک سے، بغض اور عداوت سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، قطع رحمی سے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان برائیوں کو برائی سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان سے بچنے کی ہمت، حوصلہ، ارادہ اور طاقت عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، ہماری نانی جان کی بال بال مغفرت فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم میں جتنے بھی مرحوم ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ، رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ، مغفرت سے محروم رہ جانے سے ہماری بھرپور حفاظت فرما۔ الہ العالمین، رمضان کے ایک ایک لمحے کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، جو بے روزگار ہے حلال اور پاکیزہ روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں
या अल्लाह अपने फजल व करम से उन्हें फरमा बरदार बना दे। इलाहल आलमीन, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर व भलाई मांगी सब अता फरमा, जिन शुरूर व फितन से पनाह चाही सबसे हिफाजत फरमा, जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर साबित कदमी नसीब फरमा, और जब दुनिया से जाने का वक्त आए तो कामिल ईमान के साथ कलमे वाली मौत नसीब फरमा। हमारी दुआएं अपने फजल व करम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लम बिरहमतिका या